लॉकडाउन के अंदर भजन चिक्रिया का रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता है आदरणीय, जिनका देश देश तक नाम फैला हुआ है, पंडित रोहतास डीजे साउंड जलोत्तर सर्विस से, और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे छोटे भाई पिंटू शर्मा और साथ रुक मथुरा से, और पैर पर संगति करे हमारे भूपेंद्र बड़े भाई जनुतर भरतपुर से, और आपके सामने आपका वो अस्ता असाता बच्चा हुआ मुकेश ताका भरतपुर राजस्थान से, आइए लीजिए। भैया जी बड़ा ही आनंद आ रहा है, और लॉकडाउन के अंदर प्रत्येक कलाकार अपनी प्रस्तुति देता जा रहा है यहाँ पर। सुनिएगा, जब ये मनुष्य मां के गर्भ में रहता है तो उस प्रभु से आराधना प्रार्थना गुजारिश रिक्वेस्ट करता है कि परमात्मा तू मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरा बाहर जाते ही नाम लूंगा। आज भैया गर्भ से बाहर निकाला, मोह माया में फंस गया, प्रभु को भूल गया। सुनिएगा मास्टर जी कैसे। संतान पे जब जब कष्ट पड़ियो और माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ियो तो बेटा ने पानी तक ना। आइए सुनिएगा मास्टर जी, भवानी के अंदर लिखा है कभी लोगों ने मास्टर कैसे। और घर आंगन है, घर आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को, और मुरली बारो मोहन प्यारो, मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को, ओ मुरली बारो बनो गुलाम राधा। चित्र है आधा आधा वृंदावन में, अले वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा, और एक बगल में कृष्ण खड़े हैं, एक बगल में राधा है, एक बगल में कृष्ण खड़े हैं। भैया की पहले पढ़ो ए, हाँ की पहले पढ़ो धरा पे पामी यादा रानी को, ओ मुरली बारो मोहल प्यारो, मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को, ओ मुरली बारो बनो गुलाम।
आइए वो बताया है कि क्या खाक में जाता है दास्ता एक गम सुनाने में। भैया जी के क्या खाक मजा आता है दास्ता एक गम सुनाने में, और मजा तो आता है बैठ कर के दो आंसू के। तुझे क्या मिल गया जालिम, अरे तुझे क्या मिल गया जालिम, किसी का दिल दुखाने में और किसी का बस नहीं चलता हो सुखुदा के कार। ऐसा कोई शेष प्रसंग, ऐसी कोई कथा नहीं जो कि आपने अपने कानों द्वारा दसवीं बार नहीं सुनी होगी, लेकिन गाने वालों के ढंग और कवियों की कविता अलग-अलग अलग होती हैं। आइए महाभारत की तरफ ध्यान देंगे। एक समय कौन के गुरु द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बना दिया, आज यह बात कौन के कृष्ण भगवान को पता चलती है। आज वो पांचों पांडवों के जोर आए और पांडवों से कहने लगे कि पांडवों तुम्हारी इस युद्ध में जीत नहीं हो सकती। आहा, इतने वचनों को जब पांडवों ने सुना तो पांडव कहने लगे कि प्रभु ऐसा क्या हुआ, अरे तुम्हें नहीं पता है कौरव सेना का यानी कि कर्ण सेना का सेनापति बन चुका है। आहा, आज इतने वचनों को जब पांडवों ने सुना तो पांडव कहने लगे कि प्रभु इसका कोई उपाय है कि हाँ सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि क्या, कि आप अपनी कुंती मां को बुलाइए, वो कर्ण के पास जाएगी और परशुराम वाले पांच वाणों को लेकर के। आज कुंती को बुलाया, कुंती को कर्ण के पास में भेजा। आज यही सुबह का वक्त था, कर्ण क्या कर रहा था कि सूर्य भगवान को जल समर्पित कर रहा था। आज कर्ण को जब कुंती पास में पहुंच जाती है कर्ण के, तो कर्ण से कहती है कि बेटा, अरे बेटा। आज जैसे कर्ण ने बेटे का शब्द सुना एकदम से पीछे मुड़ के देखा और कहने लगा कि अरे देवी, अरे देवी तू बेटा कहने वाली कौन है, बेटा मैं तेरी माँ हूँ माँ। आज जैसे कर्ण ने माँ का शब्द सुना एकदम से रोने लगा कर्ण, कहने लगा कि आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो, आप तो उन पांडवों की माँ हो। बेटा मैं पांडवों की माँ बाद में हूँ, पहले मैं तेरी भी माँ हूँ। आहा, आज इतने वचनों को सुना है कर्ण ने, आज कर्ण जवाब दे रहा है। मास्टर जी कैसे सुनिएगा, पढ़ो युद्ध को आज पढ़ो युद्ध को काम सो बनी तू मेरी माता। अर्जुन कैसे भारत कैसे अर्जुन कैसे लागरी बता दे मेरो, क्या बात मास्टर जी आपका जवाब नहीं। और देखिए गाने वाले उपदेश लगाते जा रहे हैं मास्टर जी, सुनिएगा चार लाइनों में सभी लोगों ने बताया कैसे। जो प्रभु तपाए गुमान करे जो प्रभु तपाए गुमान करे तू अपने यहां से करावे गो ओला काउ दिना हा काउ दिना। ये क्या मतलब का पुरस्कार आदरणीय पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस वाले हमारे लिए दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा मास्टर जी कैसे। काउदिना खुद पिटे संग में और न कूपिट
के पूजा जग में। अरे ऐसे मूर्ख भूखे जग में कब तक कौन बचावे गो। और काली चरण काली चरण एक पापी बू सब की नावा बुलावे गो। है काली चरण अर्थ में बताया है आज करण के राय कुंती से कि पैदा तेने कियो हे माँ। अरे पैदा तेने कियो नाम ना लियो ख्याल मो आता। और आज जब पढ़ो युद्ध को काम सो बन रही है मेरी माता के जन्म तो दियो बहाए। अरे जन्म तो दियो बहाए एक बन बाए काठ की नैया और वो पारत कैसे लाग रही बता दे मेरो। आज इस तरीका से करण ने कुंती को जवाब दिया है। मास्टर जी आगे सुनिएगा क्या होने लगा है। अरे कैसी देख मेरी मैया और अर्जुन को बताई रही है भैया और अर्जुन बताए रहिए भैया। तेरी बल पाए का तक सोच नैया सोल नैया और सरता में बहाय दियो छैया और सरता में बहाय दियो छैया। फिर तू कैसी मेरी मैया और बा अर्जुन को बताए रही है भैया तेरी बनबाए काट की नैया और तेने सरता में बहा दियो छैया। तुझे उस दिन शर्म नहीं आई जिस दिन तूने मुझे जन्मे जन्म देते बहा दिया। आहा आज इतने वचनों को जब कुंती ने सुना है आज कुंती रोने लगी और प्रभु को याद कर रही है। मास्टर जी सुनिएगा कैसे। गुनाहों के दरिया गुनाहों के दरिया मेरी और किश्ती परी है और मदद कर इलाही मेरी मदद की गरी है। गुनाहों के दरिया है अए जलाएगी क्या शम्मा परवाने को। अए जलाएगी क्या परवाने को सदा जान लेने मेरे सिर पे खड़ी है। गुनाहों के दरिया में किसकी परी है अरे गुनाहों के दरिया में किसकी परी है।
आज इस तरीका से कुंती प्रभु को याद करने लगी। आज सुनिएगा, ढोला के अंदर कुंती कह रही है कि बेटा इसमें मेरा दोष नहीं है, अगर जमाने की लाज ना होती तो मैं तुझे जल में जन्म देते ना भाती। सुनिएगा ढोला के अंदर मास्टर जी क्या कह रही है। जायो रे और लज्जा के अरे मारे सो दियो रे कोठी कछु मेरो नाई, कोठी कछु मेरो नाई, ईश्वर ते कपिए सनाए के बेटा कुमार कुआरी ने जायो के कुमार कुआरी ने जायो लज्जा के मारे दियो बहाए अरे कोट कछु मेरो ना सोवा ईश्वर से एक पेशना मेरी भगवान से पेश नहीं खाई बेटा नहीं मैं तुझे जल में जन्म देते ना भाती। आहा आज कुंती सोच रही है मास्टर जी सुनिएगा कैसे। हे आग लग जाए आग लग जाए इस जिंदगी को खोदिया मैंने पाकर किसी को आग लग जाए लग जाए
तरीका से कुंती कहने लगी है, आज जब करण ने इतने वचनों को सुना है तो आज करण पूछने लगता है कि माँ आप ये बताइए मेरे पास में आई कैसे। आज कुंती ने कहा कि बेटा जो परशुराम बाड़ी पांच शक्ति हैं, मैं तुझे भिक्षा में मांगने के लिए आई हूँ। आज सुनिएगा कुंती जवाब दे रही है उड़ान के अंदर मास्टर जी कैसे। सो भैया मेरे कुंती ऐसे कहे, हाय मिलो तुम आपस में भाई, मिलो तुम आपस में भाई, की उड़ान सुन रहे हैं। सुनिएगा मास्टर ठुमरी के अंदर क्या लगा है। ओ शाम तेने बैया मरोड़ी काना तेने, बैया मरोड़ी मैं जक झोरी, बैया मरोड़ी मैं गामा पा धानी सा सानी दबमा करे सा 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 रे रे गा गा मामा पापा ना धानी सा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ। अरे पंजा मरोली मैं जकी जोरी मेरी नरम कलैया तुम